हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती के रिगार्डिंग न्यू अपडेट के बारे में। 31 दिसंबर को BTO BPDO वाली जो पोस्ट थी आपकी स्नातक स्तरीय, जिसमें 229 करीबन पोस्ट निकाले गए थे आयोग द्वारा, 31 दिसंबर 2023 को इसका एग्जाम हुआ था, तो अभी तक इसका रिजल्ट नहीं निकाला है। 5 महीने हो चुके हैं आपके, तो इसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। काफ़ी लोग जो है पूछ रहे थे कि भाई इसका रिजल्ट कब तक आएगा और क्या अपडेट है, और इसमें जो पोस्ट थी 33 पद उसका भी फिजिकल हो चुका था, जिसमें प्रांत निरीक्षक दलाला जो अधिकारी की पोस्ट थी। और कई लोग पूछते भाई 5 महीने हो चुके हैं, भाई UKTPC कब रिजल्ट निकालेगा इसकी रिगार्डिंग। इसमें आप लोग देखते हैं आयोग के माध्यम से एक मेल आया हुआ है। पहले तो यहाँ पर पूछा जाता है कि इसमें स्नातक स्तरीय परीक्षा 31 दिसंबर का परिणाम कब तक आने की संभावना है, कृपया जानकारी देने का कष्ट करें करके लिखा गया था। और इस पर चयन आयोग ने 26 अप्रैल को एक मेल का रिप्लाई किया गया है, प्लीज़ वेट करके, ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि आयोग के जो मेल करने वाले कैंडिडेट हैं, मतलब जो कर्मचारी होंगे, उनको भी ढंग से पता नहीं होगा, इसीलिए जो है वेट करने के लिए बोला गया है। यानी कि कुल मिलाकर आपको हो सकता है कि जून तक ही आपको रिजल्ट देखने को मिले, और काफ़ी लंबा समय हो चुका है। और इसमें यहाँ पर देखते हैं लगभग 5 महीने हो चुके हैं, फिजिकल भी आपका फरवरी में हो ही गया था, ठीक, और काफ़ी लंबा समय होने के बाद अब तक जो है इसका रिजल्ट नहीं हुआ है। मई आ चुका है लगभग, और जल्दी ही इसका रिजल्ट होने की संभावना बताया गया है, और आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा और जल्दी इसका रिजल्ट भी आ जाएगा।